हेलो गाइस, स्वागत है आपका मार्वल फ्यूचर फाइट की एक और वीडियो में। और ये है डे टू हमारे एपिक क्वेस्ट का। और जैसा कि आपको पता ही है, एपिक क्वेस्ट में कल हमें ब्लॉकेज मिल गई थी 5 टाइमलाइन बैटल में, जो कि हमने पहले ही खेल चुके थे, इसे नहीं खेल पाए थे। तो आज हमने 5 टाइमलाइन बैटल्स खेल ली, मतलब 10 की 10 ही पूरी खेल ली है। सॉरी, माफ़ करना सिक्योरिटी गार्ड के लिए। तो हम एक्वायर करेंगे अब 5 टाइमलाइन बैटल का पार्टिसिपेट कर लिया है हमने, मतलब। और ये हमने किया क्लोज, ठीक है। न्यू फीचर अनलॉक हो गया टाइम ट्रैवल। अब इसके अंदर कह रहा है कि अरे, होप तो वहीं पे ही है, पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रखी है। तो कह रहा है कि हाँ, मैं भी उसे उन्हें मैं भी होप को सेंस कर सकता हूँ, पर उनकी जो टेलीपैथिक पावर है वो थोड़ी मतलब थोड़ी अजीब हो गई है, थोड़ी डार्कर हो गई है, वो विलन बन गई है शायद। तो कह रहा है कि मुझे भी ऐसा लग रहा है किसी ने साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, और मैं जानता हूँ किसने गड़बड़ करी है। तब तक एकदम से होप समर्स बोलती है, पापा आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। तो केबल बोलता है कि तुमने ही तो मुझे बुलाया था, तुमने मेरा क्रोनल डिस्ट्रेस बीकन को एक्टिवेट किया, मतलब इसका कोई डिवाइस हो गया, उसको एक्टिवेट किया था। उसने कि नॉट मी, हर, इट वाज ऑल पार्ट ऑफ हर प्लान। उसने मैंने नहीं किया था, इसने किया था, ये सब इसका प्लान है। वो चाहती थी कि आप यहाँ पर आए, ठीक है ना, और उस वो तो आपको यहाँ बुलाना चाहती थी। ओके, तो फिर से वो कह रही है कि वो हम लोग, हम दोनों के बॉन्ड से शेयर थी, मतलब इस बेटी हो बेटी और केबल के पापा के जो बॉन्ड है ना, उससे वो लड़की बहुत ज़्यादा वो रखी थी, जेलस हो रखी थी, और इसलिए वो अपने बॉन्ड को तोड़ना चाहती थी। पता नहीं ये कौन है, वो कौन है ये वो, और वो इसको बाय फोर्स तोड़ना चाहती है, मतलब ज़बरदस्ती तोड़ना चाहती है। तभी केबल कहता है स्टैंड डाउन होप। वो कहते हैं कि तुम रुक जाओ होप, आई नो आई एम नॉट गोइंग टू फाइट यू, यू नो, तुम जानती हो मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। तो होप कहती है कि वो मुझे कोई चॉइस नहीं दे रही है, कि ठीक है ना, वो चाहती है कि मैं तो आपसे लड़ूं और ये दर्द फील हो हम दोनों को, और ये सब उसने भी खो दिया बहुत साल पहले से। मतलब हो सकता है इसकी स्टेप सिस्टर है वो शायद, या पता नहीं कौन लड़की है जो इन दोनों में लड़ाई करवाना चाहती है। आफ्टर ऑल यू वर हर बेबी वंस, क्या? तो ये जो औरत है केबल की माँ है, क्योंकि ये कह रही है, होप कह रही है कि तो तुम भी तो कभी उसके बेटे थे। और तभी हैवक कहता है जैसा कि मुझे लगा ही था। होप कहती है कि पर टेंशन मत लो, उसने प्रॉमिस किया है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, यानी हैवक को कुछ नहीं होगा। मम्मी इज़ होम नाउ नेथन, मम्मी घर आ गई है नेथन, पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो क्लियर ब्रोकन होम 2 times, तो हमें ब्रोकन होम को 2 बार क्लियर करना है। ओहो, ये तो प्ले ओके ही क्लियर हो पाएगा, तो फटाफट से इसको प्ले कर लेते हैं हम, ठीक है। तो आप तो से मैं इसको प्ले करके आता हूँ 2 बार, ठीक है ना, फिर मिलते हैं अपन, ठीक है गाइस। तो मैं वापस आ गया, और 2 बार हमने फटाफट से उसे क्लियर कर लिया है, ठीक है। एक्वायर करेंगे 10 किडोमो के बायोस मिले, और समझ करिए हाँ, स्नैप आउट ऑफ इट किडो है। वो कह रहा है कि उसके जाल से बाहर निकलो, मतलब वो उस लड़की ने जो शायद केबल की मम्मी, उसने इस पर कब्जा कर रखा है उसके माइंड पर। तो होप करिए अंकल एलेक्स व्हाट हैपन, तो कह रही अंकल एलेक्स क्या हुआ। तो हमारा केबल कह रहा है आई वॉज होपिंग यू कुड टेल मी, हम सोच रहे थे कि तुम बता दो भाई क्या चल रहा है। तो डैड इट इज़ रियली यू, अरे डैड आप यहीं पे हो। तो ये कह रहा है कि अरे क्वेश्चन तो ये है कि क्या तुम रियल तुम हो, या तुम भी अभी भी कब्जे में हो माइंड डैमेज के नहीं, कंट्रोल में हो, हिप्नोटाइज्ड हो। ये कह रही है कि हाँ, थोड़े टाइम के लिए उसका कंप्लीट कंट्रोल था मेरे ऊपर। तभी ये बंदा आके कहता है एक्सोडस, तो कह रहा है कि किसने तुम्हारे माइंड पर कंट्रोल किया है। तो ये कह रहा है कि आपको सुनने में बहुत अजीब लगेगा, पर वो जो थी ना, तो ये कह रहा है मैडलिन प्रायर है ना, वो द गॉब्लिन क्वीन, माय मदर, मेरी मम्मी, जैसा कि हमने सोचा था वही है। इसके माइंड पे जिसने कब्जा किया उसका नाम है मैडलिन प्रायर, जिसे द गॉब्लिन क्वीन भी कहते हैं, और वो केबल की मम्मी है। तो किड ओमेगा कहता है तुम्हारी मम्मी ये वापस क्यों करेगी। तो केबल कहता है क्योंकि मेरे पापा ने उन्हें छोड़ दिया है, शी मेड टू डी, और इस वजह से वो बदला लेना चाह रही है शायद। और ये कह रहा है कि आई वॉज टेकन, तो जब उन्होंने मुझे बच्चे की तरह लिया चाहे तब भी वो रिकवर नहीं कर पाई। फिर ये कह रहा है कि तुम्हें पता है वो जीन ग्रे की भी क्लोन है, पर छोड़ो वो पूरी अलग बात है। ये हैवक कह रहा है, मतलब 10 नाटक होने, ये बता रहे हैं कौन है ये। और फिर किडोमे का कह रहा है मैं सोचा था कि मेरी फैमिली कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये कह रही है कि उन्होंने उन सब राक्षस को छोड़ा है, मैडलिन प्रायर ने, गॉब्लिन क्वीन ने उन सब राक्षस को छोड़ा, तो आपको फ्यूचर से बुलाया है केबल पापा। ये कह रहे हैं कि उसने तुम पे कब्जा किया ताकि वो मुझ तक पहुँच सके, विच मीन शी हैज़ टू पे, इसका मतलब कि उसे तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इसी के साथ रैंक अप किड ओमेगा को 3 स्टार करना है, वो मेरे पास पहले से 3 स्टार है, 3 स्टार क्या, वो मेरा Tier 2 भी हो रखा है शायद। तो हमने फटाफट से ये भी कर लिया। तो कह रहा है कि ये सब इंटरप्ट करने में प्रॉब्लम, ये सब इंटरप्ट तो मैं नहीं करना चाहता, पर मेरे पास एक बैड न्यूज़ है, ठीक है ना।
तो ये कह रहा है कि पूरे के पूरे आइलैंड्स पे गॉब्लिन्स हैं और कोई क्वीन नहीं है, तो फटाफट यहाँ से निकलना होगा। कह रहे क्या मैडी जा चुकी है, बट वेयर, वो कहाँ चली गई मैडी, मतलब ये मैडलिन क्वीन को हम मैडी बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहा है, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, पर मुझे एकदम से थोड़ा सा एनर्जी के अंदर चेंजेस मिला, शायद वो टाइम ट्रैवल कर गई है, ठीक है ना। तो अब हैवक कह रहा है, जहाँ तक मुझे पता था वो टाइम ट्रैवल नहीं कर सकती है। तो ये कह रहा है, इट वाज मैजिक, ओके। तो होप बोल रही है कि ये तो जादू है। ये कह रही है कि उसको पता लग जाता है कि कौन से डायमेंशन के बीच में थोड़ी वीकनेस है, और फिर वो डायमेंशन चेंज करके टाइम ट्रैवल कर लेती है, ऐसा कुछ वो बताने की चाहती है। और ये और होप ये भी बता रही है कि वो रियलिटी को भी फिर से रीराइट कर सकती है, मतलब वो पूरी रियलिटी भी चेंज कर सकती है, ठीक है ना। और हमको हैप्पी एंडिंग, मतलब तुम दोनों को हैप्पी एंडिंग दे सकती हो जो उन्हें कभी नहीं मिली, मतलब केबल और उसकी मम्मी को, क्योंकि केबल चला गया ना, शायद पापा के पास चला गया होगा, मम्मी के पास नहीं रहा इसलिए, ठीक है ना। पर बैटमैन शी यूज क्रॉस डायमेंशन क्रॉसिंग। तो अब ये कह रही है कि जब वो रियलिटी को चेंज कर रही थी ना, तो वो उससे थोड़ी गड़बड़ हो गई और उसका प्लान काम नहीं किया, और उसकी वजह से ये सब नाटक हो गए हैं। तो ये कह रही है कि वो हमें जल्दी से उसे फॉलो करना होगा, ठीक है ना। वो रेड ट्रिप, एक रोड ट्रिप, हमें कहाँ जा रहे हैं, ये किडे ओमेगा पूछ रहा है। तो अब केबल कह रहा है कि कहाँ जा रहे हैं उससे मतलब नहीं है, कब जाना है वो प्रॉब्लम है, ठीक है। अब कंबाइन करना है 8 को 3 टाइम्स, बहुत इजी है। ठीक है, और ये एपिक क्वेस्ट कंप्लीट, गुड, ठीक है। अब हमारा हैवक कह रहा है, तुम किसका वेट कर रहे हो, नेट, यू कैन यूज़ योर टेक टू फॉलो मेडी, तुम अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करो मेडी को फॉलो करने के लिए। तो केबल कह रहा है, अगर उसने टाइम के साथ, अगर वो टाइम के साथ क्रॉसिंग कर दी है, तो मैं पक्का उसे फॉलो कर सकता हूँ, पर वो उसका जो मैजिक है ना, वो डायमेंशन के बैरियर्स को ब्रीच कर रहा है, मतलब एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में गया है। तो कह रहा है कि वो किसी भी टाइमलाइन के अंदर हो सकती है, कि मुझे थोड़ा अपने डिवाइस में अपग्रेड करने होंगे ताकि हम सही टाइमलाइन में पहुँचें। और ये कह रहा है कि इस एरा के अंदर, इस टाइम के अंदर सिर्फ एक ही म्यूटेंट है जो मेरे इस डिवाइस को अपग्रेड करने में हेल्प कर सकता है। तो वो कह रहा है कि चलो फोर्ज की वर्कशॉप पर चलते हैं, तो अब हम फोर्ज से मिलने जा रहे हैं, ठीक है। और हमें रिसर्च मार लिया, उसके लिए हमें ये 3 टूल चाहिए और 100 हमें नॉन स्टोन ऑफ केओस चाहिए। तो हमारे पास ये 3, सॉरी ये हमें 8 चाहिए, 3 हमारे पास आएंगे, 5 और चाहिए। तो हम फटाफट से 5 बना लेंगे, 1 2 हो गए, 3 4 5, 5 और बन गए, और ये हमने कंबाइन कर लिए, ठीक है। 5 के 5 रेडी, स्टोरी पे जाएंगे, ग्रो करेंगे, रिसर्च कंप्लीट करेंगे। रिसर्च कंप्लीट हो गई, हमारी डिवाइस अपग्रेड हो गई, ठीक है। 4 स्टूल हमने बना लिया और हम अपग्रेड हो गए, और ये बन गया हमारा 3 स्टार का हैवक। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है चलो ये काम कर जाएगा, हमारा कॉस्ट डायमेंशन अपग्रेड हो चुका है, चलो ऑपरेशनल भी हो गया है, हमें नहीं पता कहाँ जा रहा है, पर हम जहाँ भी जाएँ वहाँ पे हमें वेलकम जरूर किया जाए। ये कह रहा है कि मैं आपको सारा फन नहीं लेने दूँगी, होप कह रही है कि मैं आपको सारा फन नहीं लेने दूँगी। तो कह रहा है कि हाँ हम सब एक साथ जाएंगे, ठीक है। हैवक कह रहा है, जहाँ तुम जाओगे वहाँ हम जाएंगे। कीड़ो में कह रहा है कि चलो मैं तो होप करता हूँ कि यहाँ से कुछ अच्छी जगह पे ही जाए, ठीक है। हमें अलायंस बैटल को पार्टिसिपेट करना है 1 टाइम, मैंने आज के अलायंस बैटल नहीं खेली, तो हम फटाफट से उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्पीड हमें चाहिए, और उसके अलावा फीमेल और फीमेल, यानी स्पीड का मेल वर्जन में यूज़ कर सकता हूँ बड़े आराम से, मेल मेल मेल। चलो फटाफट से हम इसको करते हैं, और आप उसे फास्ट फॉरवर्डिंग के अंदर देखिए। ठीक है गाइस, तो अलायंस बैटल कंप्लीट हो गई है, एपिक क्वेस्ट स्टार्ट करते हैं। अलायंस बैटल कंप्लीट, पार्टिसिपेशन 1, ठीक है। अब इसके अंदर एक्सोडस कहता है, ये कह रहा है क्या ये वही फ्यूचर है जो हमारे, मतलब क्या इसी फ्यूचर तक हमें आना था, ठीक है ना, जो हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो कह रहा है कि हाँ, वन ऑफ है, अगर हम ज़्यादा लकी नहीं रहे तो एक फ्यूचर ऐसा भी होगा। ये कह रहा है कि हम क्या कर सकते हैं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे। तो कह रहा है कि यहाँ पे अभी अपनी खुद की प्रॉब्लम्स भी है, तो हमें वो फटाफट ठीक करनी है। वो कह रहे ओह सेंटिनल्स, कह रहा है कि ओहो अपन तो ऐसी जगह आ गए हैं जो म्यूटेंट आइलैंड में बहुत सारे मतलब जो वो थे जानवर और राक्षस, और वो भी डेमन्स, उससे ही बुरी जगह आ गए हैं, यहाँ तो सेंटिनल्स हैं। वेल आई एम इम्प्रेस्ड कि यहाँ सेंटिनल्स हैं। फिर कह ये कह रहा है कि इतने सारे फ्यूचर देखे हैं, पर ये बहुत ही बेकार है, ऐसा केबल कह रहा है, ठीक है ना। पर फिर केबल कहता है कि पर कोई बड़ी बात नहीं है, सारे के सारे फ्यूचर ही बेकार है। ये कह रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा मुझे वो ज़रूरत नहीं है यहाँ के बेसिक्स जानने की, मतलब हिस्ट्री जानने की कि क्या हुआ था यहाँ पे, बस हमें इतना पता है कि सेंटिनल्स ने राज कर रखा है।
और इसलिए मुझे इस जगह से और ज़्यादा प्रॉब्लम है और मैं उससे और ज़्यादा ख़तरा महसूस कर रहा हूँ यहाँ से। ये कह रहा है कि यहाँ पे बस इतना है कि यहाँ पे सेंटिनल्स बैच भेजे गए हैं सारे म्यूटेंट्स को ख़त्म करने के लिए, ठीक है ना। और अपन कुछ ये एक्समेंस को सेंस कर पा रहे हैं वो इसलिए क्योंकि उन लोगों ने साइड चेंज कर ली होगी और वो उनके पिल्ले बन गए होंगे और उनकी बात मान रहे होंगे ह्यूमंस की। पर बाकी सब ने उनके खिलाफ खड़े हुए, ठीक है ना, उनके खिलाफ खड़े हुए हैं और लड़ाई करी है जैसे कि हम हमेशा ही करते हैं, और शायद उसी वजह से वो सब मारे गए। अब ये कह रहा है कि अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैडी यहाँ पे क्यों आई है, द गॉब्लिन क्वीन। अगर वो हम सब के लिए सेफ़ नहीं है तो वो उसके लिए भी सेफ़ नहीं है। वो कह तो ये कह रहा है कि पक्का वो बहुत डेस्परेट होगी यहाँ आने के लिए, यहाँ कुछ तो है। ये कह रहा है कि जब जब गॉब्लिन क्वीन को कुछ मिल जाता है ना कि हाँ उसे ये करना है या ऐसा कुछ, तो भैया फिर थिंग्स और गड़बड़ होने लग जाती हैं। हमें फटाफट से उसे ढूंढना होगा, नहीं तो यही फ्यूचर हमारा रियल फ्यूचर बन जाएगा। और इसी के साथ चैप्टर 2 स्टार्ट होता है, डेज ऑफ फ्यूचर टेंस, ठीक है, जिसका पहला है रैंक अप किड ओमेगा 2-4 स्टार। पहले से ही हमारा किड ओमेगा 4 स्टार है तो कोई टेंशन नहीं है उसमें, ठीक है ना। आप किड ओमेगा कह रहे हैं वेट इट जस्ट मी, और ये कह रहा है कि ये मेरे को ही लग रहा है कि सेंटिनल्स ज़्यादा अनॉय हो गए, ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं। तो कह रहा है यस, उनकी एबिलिटीज़ को कोई एनहांस कर रहा है। और ये कह रहा है कि सेंटिनल्स के साथ ही नहीं है, पूरी की पूरी जगह ही थोड़ी ना थोड़ी अजीब है। मुझे लग रहा है कि मैडलिन जो है वही मैडलिन गॉब्लिन क्वीन, वही इसी के पीछे, उसका मैजिक मैं हर जगह सेंस कर पा रही हूँ। तो अब ये कह रही है कि वो जस्ट यहाँ पे आई है और उसने अभी से इस जगह को अपने हिसाब से चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब यह हैवक कह रहा है विश्वास करो, ठीक है ना, सबका सब जो है वो रियल हो रखा है, ठीक है ना। तो अब ये कैबल कह रहा है कि होप क्या तुम उसकी पावर को सेंस करके हमें वहाँ तक ले जा सकती हो। तो कह रही मुझे नहीं पता, मैं ट्राई कर सकती हूँ, मेरी ये ही ना बात, मेरी बेटी करो। तो अब हमें 1,00,000 गोल्ड यूज़ करना है, वो 1,00,000 गोल्ड यूज़ करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक और करना होगा, सही काम बन जाएगा। हाँ गया, ठीक है, रिक्वेस्ट 10,00,000 गोल्ड यूज़ हो गए, एक्वायर करो 20 टिकट्स। अगला अगला अभी कह रहा है यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मिस्टिकल एनर्जी है और अस फॉर मी टू गेट सो। ये कह रहा है कि मैं मैडलिन को बना के नहीं ढूंढ पा रही हूँ। ये कह रहा है कि हाँ मेरी टेलीपैथी भी काम नहीं आ रही है। तो कह रहा है कि पक्का उसने कोई शील्ड वाला मैजिक यूज़ कर रखा है जिससे कि हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो कह रहा है कि कोई बात नहीं, हमें उसे पुराने तरीके से ढूंढना होगा। ये कह रहा है कि काश वुल्वरीन यहाँ पे होता। ये कह रहा है कि पहली बार ओके, फिर से टाइमलाइन बैटल आ गई है, मतलब यहीं पे एंड होता है हमारी डे 2 का, ठीक है। और हमने टाइमलाइन बैटल सारी खेल ली थी, मतलब 5 पार्टिसिपेट करनी थी वो खेल ली थी, अब 10 पार्टिसिपेट करनी है वो अगले दिन ही हो पाएगा। तो यहीं पे डे 2 कंप्लीट होता है हमारे एपिक क्वेस्ट का, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।